आज 29 सितंबर गुरुवार को बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें डीसीसी बैंक बीदर के प्रबंधन बोर्ड के 4 अक्टूबर को होने जा रहे चुनाव के संबंध में बात की गई। इस अवसर पर डीसीसी बैंक के चेयरमैन उमाकांत नागमारपल्ली ने संबोधित किया और इस चुनाव के संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि 36 वर्षों से बिना राजनीति के डीसीसी बैंक बीदर के प्रबंधन बोर्ड के चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस चुनाव से जुड़ी बातों को बताया। इस अवसर पर उमाकांत नागमारपल्ली ने केपी न्यूज से बात करते हुए विस्तार से बताया। केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। निन्ने नम अडवोकेट नम अभ्यर्थी अदर भाग सलीमुद्दीन साहेबर सिद्धराम परिपक्व अदान मंडने केस रिटर्निंग यार हर रिटर्निंग आफीसर हर नादी नमिके कूड़ा ना संबंध कागदू कमें न्याय दरकतिवंत विश्वास अंतिम अधिकार वो ऐनता कन्डदे शिफारस आगबू अथवा अधिकार दुरुपयोग पड़कों मेले प्रेशर हाकि आगे अंत नो अनिके या नन के अब नोड़े नावे पेपर अद्क संबंध दाखले को दाखले को नन के मुंदे कॉर्टल क्या सकते विश्वास नन इगे कॉर्टे हम पक् सर सर नमल यारू किडापे अद हंत आगदे कैंडिडेटे उत्तर को सर इच्छे प्रकार नन अब गल तम मध्य प्रकार ना कहता यार हमारे गल बट नन के ना डेलिगेट मेले विश्वास है हमली नन के मतदान मतर नन के मेले विश्वास तुम तुम विश्वास है सर बीदर इतक मूव जन अल्ले ननगंत नन के यार ये हूँ यार कड़े हूँ कूड़ा नन के मेल विश्वास है नन मतदान मतर ना पेनल के नन प ग्रूपे गुंपे इतार विश्वास नन 4 अक्टूबर को बीदर जिले के लिए डीसीसी बैंक के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे और इसी को लेकर के डीसीसी बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट उमाकांत नागमारपल्ली से हम जुड़ना चाहेंगे। सर देखिए चुनावी मैदान को लेकर के सियासी बिसात तो बिछ चुकी है, तो वहीं आपकी ओर से एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि बदनीयती के साथ ही राजनीति करने की कोशिश यहाँ पर। मुझे मेरे काशकारों के ऊपर और मेरे डेलीगेट के ऊपर मुझे विश्वास है। मेरा पैनल जो 15 में से तीन लोग ऑलरेडी हम जीत चुके हैं, यानी बिन विरोध हो चुका है, रहे सो 12 के 12 लोग हम और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से हम जीत के आएंगे, बल्कि मेरे विश्वास है। और लोगों के ऊपर वो जो भी सियासत उन्होंने करने दो, वो सियासत के यहाँ पर ये नहीं होगा। और लोग मेरे ऊपर विश्वास रखे, काशकार लोग और डेलीगेट लोग, उसके हिसाब से मैं पूरे मेरे 12 के 12 सीट मेरे पैनल के आएंगे, बल्कि मुझे विश्वास है। आपने कहा कि 38 सालों से बिना राजनीति के ये पूरा जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, पर अब इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में इस पूरे चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर कोई को अधिकार है कि वहाँ पर ठहर सकता है, हर कोई का इसको ये कर सकता है, इसलिए डेमोक्रेसी के हिसाब से हम यहाँ पर प्रजाप्रभुत्व के हिसाब के अंदर वो पहले इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, अब कॉम्पिटिशन आए तो हम उसके लिए फेस करने के लिए तैयार है। और इसके प्रजाप्रभुत्व की दृष्टि से हम बिन जात पात और जो भेदभाव न करते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, वो इलेक्शन चेक करेंगे हम। इलेक्शन लड़ने के लिए आप तैयार है, लोकतंत्र का देश है, तो ऐसे में आप पुरजोर तरीके से इसका समर्थन भी कर रहे हैं, पर वहीं कहीं ना कहीं दबे सुर में ये आवाज़ भी निकल रही है कि मंत्री जो ईश्वर खंडे हैं वो कहीं ना कहीं अपने भाई को इसमें प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो उनका ये है, मैं उसके बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता। मैं प्रतिस्पर्धी के उनको भी मैं प्रतिस्पर्धी के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरे को मेरा विश्वास है, मेरे डेलीगेटों के ऊपर, मेरे मतदाता के ऊपर मुझे विश्वास है। वो लोग मुझे अच्छे लोगों के लिए अच्छा अच्छे काम करें। मेरे जो 38 साल का जो और मेरा काल का 8 साल का और मेरे पिताजी के जो 30 साल का एक बैंक के लिए यहाँ पर आर्थिक जो अभिवृद्धि यहाँ पर जिले में किया, उसको देख कर लोग मुझे हमें हमारे पैनल को बहुमत से चुन के लाएंगे, बल्कि मुझे विश्वास है।
8 साल के आपके कार्यकाल और 30 साल के आपके पिता के कार्यकाल, जिसके माध्यम से अभी जो बीदर जिला का जो DCC बैंक है अपने आप में एक बहुत अच्छे मुकाम पर है और 5,500 करोड़ का टर्नओवर इसका है, तो ऐसे में आम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, अपने वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे डिपॉजिटर्स, मेरे वोटर्स, मेरे मतदार बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि और ज़्यादा तरक्की यहाँ पर जिला सरकार केंद्र बैंक और ज़्यादा तरक्की करे, जिले के काश्तकारों को, जिले के युवकों को, जिले के SHG संघ के महिलाओं को, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फाइनेंस कर सके, उनको आर्थिक नेहरू दे सके, बल्कि मेरा एक ये है। उमाकांत जी, जरा सा विषयांतर की ओर आपको लेकर जाना चाहूंगी। अभी हाल ही में मंत्री भुगंत खोपा ने एक आरोप लगाया कि अमर खंडे के द्वारा महात्मा गांधी शुगर मिल में 400 करोड़ के आसपास का घोटाला किया गया और ये जो ऋण था वो DCC बैंक की तरफ से दिया गया, इसको आपको क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? आज काश्तकारों का देख कर हमने उनका असेट और लायबिलिटी देख के हमने उन्हें लोन सेंक्शन किया है, उसके अंदर जो जो भी है वो लोग बोलना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कोई नो कमेंट्स, मेरा कोई उत्तर देना नहीं चाहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि पुरजोर तरीके से आप चुनावी मैदान में उतरे। तो ये थे हमारे साथ उमाकांत नागमारपल्ली जी, जिन्होंने पुरजोर तरीके से दावा किया है कि इनके जो 12 कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में जीतेंगे, चुनावी रण में जीतेंगे। हालांकि 3 कैंडिडेट्स ऑलरेडी विजयी हो चुके हैं क्योंकि निर्विरोध उनका चुनाव यहाँ पर हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP News बीदर।